आज मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कालिदास मार्ग पर कलश पूजा। गोरखनाथ मंदिर के पुजारी करेंगे नवरात्र की कलश पूजा, शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री। आज शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास पर फलाहार का आयोजन, करीब 150 कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहेंगे सीएम। शाम 6 बजे सीएम निवास पर ही शुरू होगा फलाहार, मंत्री विधायक और पार्टी के बड़े नेता भी होंगे शामिल। जमीन पर दरी बिछाकर फलाहार करेंगे मुख्यमंत्री, तांबे और कांस्य के बर्तन का होगा इस्तेमाल। नकल रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने की उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ मीटिंग, नकल करने और कराने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश। दिनेश शर्मा के आदेश पर नकल रोकने के लिए आज से लखनऊ में शुरू हो सकता है कंट्रोल रूम, लैंडलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ कुछ देर में करेंगे बैठक, विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी आज। सिद्धार्थनाथ सिंह से मिला कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल, बूचड़खाने और मीट कारोबार पर कार्रवाई को लेकर चर्चा। मुख्तार अंसारी का आज आगरा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, फिलहाल लखनऊ जेल में है बंद। अखिलेश यादव ने ली विधायकों की बैठक, शिवपाल यादव ने नहीं लिया हिस्सा। अखिलेश यादव होंगे समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के नेता, पार्टी एमएलए की बैठक में नाम पर लगी मुहर। राम गोविंद चौधरी होंगे विधानसभा में विपक्ष के नेता, शिवपाल यादव और आजम खान नाराज। आज लोकसभा में होगी जीएसटी संशोधन बिल पर चर्चा, आम सहमति से पास कराना चाहती है सरकार। जीएसटी बिल पर चर्चा, 1 जुलाई से देशभर में लागू करना चाहती है सरकार। मुंबई से दिल्ली पहुंची राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, लेकिन शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ नहीं दिखे, इसी ट्रेन में था रिजर्वेशन देने की तैयारी। सांसद रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ जारी रहेगी पाबंदी, एयर इंडिया ने कहा नहीं बदले हैं हालात। पंजाब की अमरिंदर सरकार ने मंत्रियों के लाल बत्ती के इस्तेमाल का फैसला वापस लिया, सरकार ने कहा नोटिफिकेशन में चूक हुई। अमरिंदर सरकार ने कहा हाईकोर्ट के जस्टिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस ही लाल बत्ती का कर सकते हैं इस्तेमाल, विपक्ष ने कैबिनेट के फैसले पर उठाए सवाल। एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रचार के लिए उतारेगी 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, योगी, खट्टर, वसुंधरा, शिवराज और रमन सिंह रहेंगे स्टार प्रचारक। बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे 14 केंद्रीय मंत्री, पार्टी के लिए मांगेंगे एमसीडी चुनाव में वोट। गृहमंत्री राजनाथ, वित्त मंत्री जेटली समेत स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल मांगेंगे एमसीडी चुनाव में वोट। आम आदमी पार्टी भी एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए तैयार, अपने स्टार प्रचारकों से पार्टी कराएगी दिल्ली में 1000 जगह पर चुनावी सफाई सभाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कपिल मिश्रा मांगेंगे पार्टी के लिए वोट, प्रचार की कमान संभालेंगे आशीष तलवार। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में कपड़ा शोरूम में घुसकर बंदूक की नोक पर लाखों की लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के गांधीनगर में चोरी करते शख्स को बीट कांस्टेबल ने मौके से पकड़ा, 2 बार पहले भी चोरी की वारदात में रहा है शामिल। पीलीभीत में एक मां ने लगाई अपनी 2.5 साल की बच्ची को आग, फिर खुद को भी जलाया, दोनों की मौत। यूपी के संभल में उधारी के पैसे मांगने पर व्यापारी को मारी गोली, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन की तो मिला शव। नोएडा में मोबाइल कंपनी ओप्पो के दफ्तर में तिरंगे का अपमान, एफआईआर दर्ज, कर्मचारियों के हंगामे के बाद आज शाम तक कंपनी बंद। मुजफ्फरनगर में 12वीं की लड़की को अगवा करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लड़की भी मिली। राजस्थान के झालावाड़ में मंदबुद्धि महिला के साथ गैंगरेप, 4 में से 1 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक लड़के ने लड़की के फोटो को एडिट कर बनाया अश्लील, सोशल मीडिया पर किया वायरल। भटिंडा में नकली डिग्री सर्टिफिकेट गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जौनपुर में एक जज को आया बम से उड़ाने की धमकी लिखा खत, पुलिस ने किया हाई अलर्ट। ग्वालियर में 3 बाइक सवारों ने किया युवती पर ब्लेड से हमला, घायल अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के औरंगाबाद पुलिस ने अफीम तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 40 किलो तैयार अफीम, 10 किलो अफीम पाउडर और नशीली दवाएं बरामद। झारखंड के चाईबासा में एक ट्रक में मिला 720 किलो गांजा, 4 युवक देसी बंदूक के साथ गिरफ्तार।
भगवानपुर कस्बे में पुलिस ने करीब 50,000 की नकली करेंसी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। घर पर ही कलर फोटोकॉपी मशीन से बना रहे थे नोट। बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर पशु तस्करों की गाड़ी दूसरे वाहन से टकराई, मचा हंगामा तो पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवसेना ने गुड़गांव में केएफसी समेत मीट की 500 से ज्यादा दुकानों को कराया बंद। नवरात्र और मंगलवार को शटर डाउन रखने की धमकी भी दी। राजस्थान के उदयपुर में छावनी के पास जंगल में लगी आग, महज 500 मीटर की दूरी पर है बारूद का गोदाम। अनहोनी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी, हेलीकॉप्टर की भी ली जा रही है मदद। उज्जैन में 20 से ज्यादा दुकानें आग में जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। चैत्र नवरात्र पर इलाहाबाद की माता कल्याणी देवी शक्ति पीठ में उमड़ी भक्तों की भीड़, यहां पूरे 9 दिन तक लगता है मेला। बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड कॉपी को दोबारा जांचने के लिए छात्रों ने निकाला जुलूस, हंगामा देख पुलिस की तैनाती। झाबुआ में एक डॉक्टर को फेसबुक पर मीट बैन का विरोध करना पड़ा महंगा, एक पोस्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस लाई थाने। ओडिशा की 6 साल की फिरदौस ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की, भगवद गीता का पाठ सुनाकर सबको किया मंत्रमुग्ध। ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने गोहाना में शुरू की कुश्ती एकेडमी, पूर्व की कांग्रेस सरकार पर लगाया जमीन नहीं देने का आरोप। मशहूर सरोद वादक अमजद अली खान की किताब का मुंबई में विमोचन, फिल्म निर्देशक करण जौहर भी थे मौजूद।